पॉजिटिव मिले मुरादाबाद में। अब तक 31 कोरोना पॉजिटिव मिले मुरादाबाद में। 2 कोरोना पॉजिटिव की हुई इलाज के दौरान अब तक मौत। 1 कोरोना पॉजिटिव को इलाज के बाद ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। 1 नया इलाका भी किया गया हॉटस्पॉट में चिन्हित। पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में नहीं खुलेंगे किराना दूध की दुकानें, मेडिकल भी रहेंगे बंद। पत्रकारों को भी हॉटस्पॉट इलाकों में जाने की नहीं है अनुमति। सर, सुना है कुछ एक लिस्ट आई है जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव की कितनी संख्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है और ये जो 14 तारीख परसों के सैंपल थे उनकी रिजल्ट लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है और उसमें 11 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, बाकी 55 सैंपल जो है नेगेटिव आए हैं और 1 सैंपल को रिपीट करना पड़ेगा। क्या कुछ इसमें मेल फीमेल भी है? हाँ, जो पॉजिटिव सैंपल आए हैं उसमें 5 फीमेल्स भी हैं। ये खाली मुरादाबाद के ही हैं? जी, मुरादाबाद के हैं, सब क्वारंटाइन हैं। परसों क्वारंटाइन फैसिलिटी के जो सैंपल लिए गए थे उसमें से ये रिजल्ट आए। पूछ सकते हैं कि क्या इसमें बबलू जो सरताज का भाई है वो भी शामिल है? बबलू नाम का तो इसमें नहीं दिखा, मगर एक सरताज का भाई है जिसका नाम जो है सरताज का भाई है जो वहाँ भर्ती है TMU, वो इनमें से है। 5 महिलाएं हैं और सब क्वारंटाइन हैं, कोई मतलब बाहर का केस नहीं है, सब जानकारी के केस हैं जिनकी संभावना थी और जिन्हें इसी के मद्देनज़र क्वारंटाइन में रखा गया था, वही केस है। सर, जो मुरादाबाद में हॉटस्पॉट पहले से बनाए हुए हैं, क्या कोई नया इलाका इसमें से मिला है कि उसको भी हॉटस्पॉट बनाया जाए? कुछ नहीं, इसमें ये सब पुराने हॉटस्पॉट के हैं। थैंक यू।